वेलकम टू दि मैथ गुरु ओडिया प्रोग्राम पिला माने आमे उपपाद्य तो करी चली छे एबे गोटे प्रमेय करबा इम्पोर्टेंट प्रमेय याकु टिके ध्यान र सहकारे देखिबो आमुकु सबोळ पई दरकार एबे वर्तमान मु तक प्रमाण कर दउची सर्वशेष रे तमे निश्चय जानि परिबो एटा को प्रकार प्रमाण हेतो वर्तमान देखो एबीसी गोटे त्रिभुज डीईएफ अन्य गोटे त्रिभुज दीटा का सदृश त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज सदृश डीईएफ त्रिभुज जदि ये त्रिभुज दीटा सदृश है तेरे बर्तमान कह ए कोण इज इक्वल टू डी कोण हम बी कोण इज इक्वल टू ई कोण हम एवं सी कोण इज इक्वल टू ए कोण हम सी कोण इज इक्वल टू ए कोण हम एवं बाहु मानकर अनुपात भी परस्पर कोण है बे समान है कि ता अर्थ ए बी बाई डी इज इक्वल टू बीसी बाई ईएफ इज इक्वल टू एसी बाई डीएफ हे बस एपे वर्तमान मु तम मान को आ गोटे छोट जिन छोटे कर छोटे जिन छोटे हला सही एबीसी त्रिभुज रे वर्तमान गोटे लंब ले गली एएम गोटे लंब उच्चता तापरे डीईएफ रे मध्य ये मध्य गोटे उच्चता है बर्तमान बी कोण ई कोण सह कोण अछि समान अछि बी कोण ई कोण सह समान बर्तमान ए कोण 90 डिग्री ए कोण 90 डिग्री ताहले वर्तमान आमे कहि दे परिबा ए त्रिभुज द्वय को त्रिभुज द्वय वर्तमान देख ठीक देख एही त्रिभुज द्वय वर्तमान परस्पर कोण है जीवे सदृश है जीवे निश्चय सदृश है जीवे वर्तमान आमे कोण करैले ना ए बी सी त्रिभुज रे एम एवं डीईएफ त्रिभुज रे डीएन लंब हेउ लंब हेउ त लंब हेला परे एबे वर्तमान ए त्रिभुज दीटा को वर्तमान सदृश करैबा तबे ए बी एम एवं डी ई एन त्रिभुज द्वय रे कोण हव ना बी कोण इज इक्वल टू ई कोण एटा हमको दत्त अछि ठीक तापरे एम कोण समान एन कोण समान कोण 90 डिग्री एटा लंब 90 डिग्री लंब तेणु वर्तमान कोण हेबे दुईटी कोण समान होवारु एमाने परस्पर कोण हेबे सदृश हे गेले दैट इंप्लाइज ए बी एम त्रिभुज सदृश डीई एन त्रिभुज तेले त्रिभुज तीनटा जगत एतले सदृश हमर हे गेले त्रिभुज सदृश हे गेला माने बाहु मानकर अनुपात भी परस्पर कोण हबो समान हेबो तार अर्थ ए बी बाई दैट इंप्लाइज ए बी बाई डीई इज इक्वल टू ए एम बाय डीएन हेब ठीक एबे वर्तमान आमे एतिक देखिले एहा परे वर्तमान देखिबा अन्य समस्त अनुपात गुडा कथा देखैति ए बी बाय डी एम बाय डीएन सहित समान हे ता परे ए बी बाय डी बीसी बाय ईएफ सह समान है जी तापर वर्तमान कौन है जी ताथा ए बी बाय डी बीसी बाय ईएफ सह समान हबो
dn ab by d सहित समान अछि एपे वर्तमान आमे को करबा जे आमे कहिबा abc त्रिभुजर क्षेत्रफल बाय वर्तमान def त्रिभुजर क्षेत्रफल कोण हो समय आमे जानते हाफ त्रिभुजर क्षेत्रफल हाफ abc त्रिभुजर क्षेत्रफल हाफ भूमि के भूमि होची लक्ष्य कर भूमि हला bc इनटू उच्चता हला m बाय हाफ इनटू df त्रिभुज रे भूमि हला ef इनटू उच्चता हे गला dl तब दैट इज इक्वल टू केतल हाफ हाफ कटिला ता अर्थ bc बाय ef इनटू am बाय dl bc बाय ef आसीला dm am बाय dl आसीला दैट इज इक्वल टू bc बाय ef इनटू am बाय dl कहां स समान अछि ना a by dn ab by d स समान अछि ab by d bc by ef स समान अछि तबे लक्ष्य कर आमे वर्तने ab by d स्थान रे bc by ef बसै परबा ए लिखि देले जेहेतु जेहेतु ab by d इज इक्वल टू bc by ef एवं एम बाय डीएन इज इक्वल टू एम बाय डीएन इज इक्वल टू एम बाय डीएन इज इक्वल टू एबी बाय डीई तो दैट आमे कौन कर परबा जे ए जो एम बाय डीएन स्थान रे एम बाय डीएन थिला ए स्थान रे कौन बसै परबा ना bc by ef into a by dn जगह रे मध्ये आमे bc by ef को बसे करबा bc by ef that is equal to bc square by ef square एथरा आमरा जणा पड़ी गला जे ए भूमि मानकर अनुपात बा बाहु दुइटर अनुपात सह समान हैला क्षेत्रफल रो अनुपात बाहु दुइटर अनुपात सह समान तेबे सही परिप्रमाण करा जाई परिबो जे सही परि प्रमाण करा जाई पारे जे ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल विभक्त डी ई एफ त्रिभुजर क्षेत्रफल समान AB square by D square is equal to BC square by EF square is equal to AC square by AC square by वर्तमान DF square हे बो तार अर्थ यार अर्थ हैला कौन ना दुईटी सदृश त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपात से मानकर बाहु मानकर अनुपात सह समान हेबो एटा होची हमर गोटिए प्रमेय 1.3 प्रमेय नंबर 1.3 एटा को संपूर्ण भावे मन रखिबो जहा कि परीक्षा पई बा बड़ बड़ प्रश्न छोट प्रश्न पई निहाते आवश्यक या परे मध्ये आ गोटे प्रमेय मु कहिबी यहाँ पर आउ गोटे प्रमेय कहबी से प्रमेय टी भल भाव ध्यान देखिबो जहाँकि आमको आवश्यक है। थैंक यू।